नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक सेठ समाचार के साथ और इस वक्त हम आपको लेके आए हैं घरोटा में, जहां पे 17 दिन की टूर्नामेंट क्रिकेट लवर्स के लिए तो ये बहुत एक सौभाग्य की बात थी कि घरोटा जम्मू में यहां पे 17 दिन की टूर्नामेंट जो चल रही थी और टूर्नामेंट का नाम था चैंपियन क्रिकेट लीग 2023। आज विनर्स जो हैं, सबसे पहले तो हम उन्हीं से बात करेंगे क्योंकि एक खुशी की लहर, एक खुशी की जो दौड़ होती है वो क्रिकेटर्स के चेहरे पे सामने ही नजर आ रही है। सर, आपका नाम? बिलाल अहमद डार। कैसा लगा पहले तो आप कश्मीर से यहाँ पे जम्मू एक टूर्नामेंट के लिए आए हो और ये टूर्नामेंट सबसे हम पहले जाने की कोशिश करेंगे, खेल के किस तरह से आपको फील हुआ? जी, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट किया है इन्होंने। टर्फ विकेट है यहाँ पे, 2-3 टर्फ है यहाँ पे, बहुत ही मजा आया। यहाँ के अंपायर्स, मैनेजिंग बॉडी बहुत ही अच्छी थी यहाँ पे, हमें मजा आया यहाँ पे खेलने के लिए। हम चाहते हैं कि और भी टूर्नामेंट हो जाए, हम वो भी खेलें। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको ये ट्रेनिंग वगैरह, जिस तरह से आप इस फील्ड में हैं, क्रिकेट एक बॉयज की पैशन होता है, क्रिकेट के लेके एक जुनून होता है, तो वो आप में भी नजर आया क्योंकि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इस बार धोबी पछाड़ जो है वो दूसरी टीम को दे डाली है। जी मैम, हम मेहनत भी करते हैं, हम 3-4 महीने एकेडमी में रहे हैं, क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान जयपुर, हम वहीं से आए डायरेक्ट जम्मू। हम वहाँ मेहनत भी करते हैं, कोचिंग भी करते हैं, क्योंकि इजी नहीं होता है ऐसा खेलना। हमें अच्छा लगता है जब टफ सिचुएशन होता है, टफ सिचुएशन में मैच जिताना हमें अच्छा लगता है। कितनी स्कोर से आज लीड किया है आप लोगों ने? तो मैम, हमें 166 का टारगेट था, तो लास्ट में मतलब 18 बॉल में हमें 41 चाहिए था, तो फिर बिलाल भैया आए, जिसको हम कश्मीर में बिलाल पांडे के नाम से जानते हैं, तो आज उसी का, जैसे सर ने बताया कि काफी अच्छा खेला और से यही उम्मीद थी और सोच समझ के जो हमारा प्लान था, टीम प्लान था कि हम चेज ही करेंगे, क्योंकि पीछे से ऐसे प्लेयर्स थे हमारे पास, तो अल्लाह पाक ने मदद की, काफी अच्छा लगा मैच जीत के। बिलाल जी, मतलब कि सभी आज आपकी तारीफ कर रहे हैं और वाकई जिस तरह से हमने सुना है, देखा है कि आपने धोबी पछाड़ तो दे ही दी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कितना जरूरी रहता है इसमें प्लान करके खेलना और क्या क्या टिप्स जो हैं वो आप छोटे प्लेयर्स को भी देना चाहेंगे कि इस तरह से बैटिंग ठीक रहता है फर्स्ट लेना या बॉलिंग जो है वो? देखिए, विकेट के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं, विकेट कैसा बिहेव कर रहा है वहां से, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि चेज करेंगे या बैटिंग फर्स्ट करेंगे, और हमारे पास बैटिंग अच्छी थी चेज के लिए, हमने चेज ही किया, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम चेज ही करेंगे यहाँ पे, क्योंकि विकेट पहले गीला था, वहाँ पे बॉल फंस के आ रही थी, पहले सेकंड विकेट में अच्छा मिला हमें खेलने के लिए। मैन ऑफ द मैच कौन रहा? जी मैं ही रहा। मैं ही रहा। और कैसा फील हो रहा है? बहुत ही मजा आया खेल, मजा ही आया। नेक्स्ट भी आप जम्मू में खेलना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जितने भी टूर्नामेंट्स यहाँ पे हो जाएंगे हम खेलेंगे। और नेशनल टीम के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे संगठन बन चुके हैं और हमारे बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, नेशनल इंडियन क्रिकेट टीम में कौन नहीं सिलेक्ट होना चाहता, और जिन्होंने आपको गाइड किया है, आपके कोच जो रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज, कुछ संदेश आप? हमारे कोच है, जी मैम, हमारे कोच है एकेडमी, वहाँ पठान एकेडमी जयपुर में, राघविंदर सर है वहाँ पे और के सर है वहाँ पे, बहुत ही अच्छे कोचेस है। इस बार टीम में डिफरेंट डिफरेंट अकेडमी से आए थे या एक ही अकेडमी के लोग थे सभी लोग? नहीं मैम, हम दो थे, एक एकेडमी के तीन लड़के थे, गुलजार, शिविर भाई और मैं, हम वहीं से आए जयपुर एकेडमी से। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है मैम, ऐसे नहीं हम आएंगे घर से और खेलेंगे यहाँ पे। देखिए आप, 5 ओवर में 77 रन बनाने थे जी। फिर 9 बॉल बाकी रह गए, 4 ओवर में मैच फिनिश हो गया, इसके लिए मेहनत भी कर सकते। इतनी बड़ी बाउंड्री है यहाँ पे, 85 मीटर, यहाँ पे छक्का मारना इतना ईजी नहीं है हर किसी। तो क्या लगता है आने वाले टाइमों में अगर एक अपॉर्चुनिटी मिले या फिर इसी मेहनत से लगे रहे तो इंडियन क्रिकेट टीम में जाना? हाँ इंशाल्लाह, हम तो मेहनत करेंगे, रिजिक देने वाला खुदा ही होता है हमारे। बेहतरीन, आप यूथ को देख के बहुत अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी हो आप उन यूथ के लिए, यंग लड़कों के लिए जो आज नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे उनके लिए कि स्पोर्ट्स जो है वो कितना जरूरी रहता है? तो पहले मैडम, आपके मीडियम के थ्रू ये कहना चाहूँगा, पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को, क्योंकि आपको सर मैम पता ही है कि हम कश्मीर से आते हैं, वहाँ पे बर्फबारी होती है, तो पहले इन्होंने टूर्नामेंट हम एक ऑर्गेनाइज किया जयपुर में, फिर जम्मू में, अब इनका प्लान है मुंबई जाने का, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, पहले हम क्रेडिट इन्हीं को देना चाहेंगे। और रही बात मैम स्पोर्ट्स, आजकल इतना ज़रूरी हो गया है, मेरे हिसाब से हर कोई पेरेंट अपने बच्चे को इसकी तरफ माइल करे, क्योंकि जब भी हम खेलने जाते हैं 5-6 घंटे तो गेम की तरफ रहता है,
माइंड हमारा दूसरे कामों की तरफ नहीं रहता है, बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स की तरफ जाना। तो बस यही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैम आपके मीडियम के थ्रू ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर में बहुत अच्छा टैलेंट है, बस यही है कि अगर थोड़ा बहुत हमें भी अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले, हम भी एक्सेल कर सकते हैं। जैसे बिलाल भैया ने कहा कि हम पिछले 4 महीने से एकेडमी में है, घर बार अपना छोड़ के काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए। तो इंशाल्लाह आपके मीडियम के थ्रू ये मैसेज आगे जानी चाहिए। जी सर, क्या लगता है दूर से आना और यहाँ पे टूर्नामेंट्स इस तरह से चलना, किन किन चीज़ों की आपको लगता है कि कमी रह गई है या फिर कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ बहुत अच्छा बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा आपका जम्मू में ये 17 दिन का। बिल्कुल मैम, हम जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके बगैर भी हम श्रीनगर में भी ये ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी लास्ट ईयर भी हमने एक बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, मागाम नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसका MKT के नाम से जाना जाता है, और इस साल वो 5 मार्च से शुरू होता है। ये जो टीम आज थी, ये स्पार्टन स्ट्राइकर्स मागाम, ये मेरी अपनी टीम है। तो मैं यहाँ पे लड़कों को थोड़ा प्रमोट कर रहा हूँ। इस टूर्नामेंट में भी मैंने यहाँ पे 14 साल के 2 लड़के खेल रहे थे मेरे साथ, एक जम्मू का है जो यहाँ के अंपायर हैं, गिरधारी साहब के बेटे अरुण लेगी। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे साथ एक और लड़का कश्मीर से आया था, तो उनका नाम वकास है, बहुत ही अच्छे स्पिनर्स है दोनों। उनको प्रमोट करें, चाहते हैं कि आगे लड़के आगे जाए, ड्रग्स के साथ ना जाए। तो ये सारे लड़कों ने आज मेहनत की, तो नतीजा आपके सामने आया। कुछ लास्ट में जाते जाते कुछ मैसेज, कुछ संदेशा जो है वो देना चाहेंगे आप यहाँ? नहीं बिल्कुल मैम, मैं चाहता हूँ कि लड़के कहते थे कि पहले कहा जाता था कि लिखोगे पढ़ोगे बनोगे नवाब, खेदोगे कुलोगे बनोगे खराब। लेकिन आज अगर देखा जाए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पढ़ाई छोड़ दो तो आप खेलने में जाओ, लेकिन पढ़ाई के साथ आप खेल कूद के साथ भी रहो, ड्रग से दूर रहें। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे कोई लड़के, अगर कुछ ऐसे भी लड़के हैं जिनका कुछ मतलब ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो मेरे साथ कांटेक्ट करें और मैं उनकी हेल्प करूंगा, मैं यही चाहता हूँ। सर, एज मैटर करती है इसमें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो क्रिकेट में आना चाहते हैं लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। नहीं बिल्कुल, कोशिश करते हैं लेकिन वो इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। देखिए मैम, मैं आपके चैनल के वसादत से ये बोलूंगा कि अगर लड़के ऐसे हैं कि कम से कम वो अपनी तरफ से मेहनत करें। अभी मैं देख रहा हूँ कि अरुण लेगी यहाँ पे है, वो हमेशा पढ़ाई के बाद यहाँ पे आते हैं और अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, तभी तो वो आगे जाएगा। जी, जब वो मेहनत करेगा तभी तो वो आगे जाएगा। अगर अरुण यहाँ से जाके मतलब मैच खेलेगा, फिर 10 दिन के बाद आके मैच खेलेगा, बहुत ही अच्छा लड़का है, लेग स्पिनर है। इसके तो इससे पहले यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था, उस पर भी इसने बहुत ही अच्छी मेहनत की, मैंने इसको उस दिन भी एक कैश अवार्ड दिया था। इसने मैच में बड़ी टीम को इन्हें हराया, तो उन्होंने 46 गेंदों पे 42 रन बनाने थे, लेकिन अच्छे प्लेयर्स थे। तो अरुण ने आके 2 ओवर्स में पूरा मैच ही अपने नाम कर दिया, इसने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। जी, बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं चाहता हूँ अरुण बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। जी थैंक यू सर, शुक्रिया। ये इनकी ट्रॉफी और हिप हिप करते हुए पूरी टीम जो है उनके चेहरों पे आज एक खुशी की लहर जो है वो दौड़ रही है, क्योंकि 17 दिन के टूर्नामेंट के बाद आज फाइनल जो था और इनका इन्होंने जीत जो है फतेह हासिल की है। कैसा लग रहा है ट्रॉफी हाथ में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी मैं। ऐसे आगे भी यहाँ पे आके खेलना पसंद करेंगे? इंशाल्लाह हम हर साल यहाँ आएंगे जी, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा मजा आता है, क्योंकि जो हम यहाँ के मैनेजमेंट बॉडी है वो काफी अच्छी है जी। शुक्रिया। क्रिकेट लवर्स के लिए ये एक हम लोगों ने आज का एक टूर्नामेंट दिखाया जिसमें काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी अच्छे स्कोर्स के साथ इन्होंने विन किया है। मैनेजमेंट को बहुत बधाइयां दी हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पर जरूर रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया दैनिक सेट समाचार के लिए।